नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। ये बताते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। इस दिन होगी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन। जी हाँ, जिन अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनकी वेरिफिकेशन कब होगी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुफ्त राशन और गैस कनेक्शन, किसने बात कही है और किन आपदा प्रभावितों को ये राशन मिलेगा और गैस कनेक्शन मिलेगा, पूरी जानकारी आपके साथ ये साझा करेंगे। यहाँ भरे जाएंगे 300 पद। जी हाँ, कहाँ पर भरे जाएंगे 300 पद और कौन कौन से पद हैं, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी जानकारी आपको देंगे। हैं आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ इन सारी खबरों को विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारे खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। श्रीखंड यात्रा हर हर महादेव के जय घोष के साथ सोमवार को शुरू हुई। 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव के दर्शन के लिए पहले दिन 26 महिलाओं समेत 647 यात्रियों का पहला जत्था आने के विधायक किशोरीलाल ने हरी झंडी दिखाकर बेस कैंप सिंगार से रवाना किया। 26 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन जबकि 621 ने ऑफलाइन पंजीकरण करवाया था। पंजीकरण और फिटनेस चेकअप के बाद ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की ओर से पहली बार शुरू किए जा रहे कोर्सों के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अभी अभ्यर्थी 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले ये तिथि आपको बता दें कि 12 जुलाई थी। 11 जुलाई तक विश्वविद्यालय के 900 आवेदन मिले थे। विभिन्न कोर्सों के लिए 17 जुलाई के बाद आवेदन की तिथि खत्म होने पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। 31 जुलाई तक कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 12,336 अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन यानी कि प्रमाण पत्र की जांच 18 जुलाई से होगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। सितंबर में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। भर्ती बोर्ड ने 8 दिन में पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दस्तक के साथ कहर बरपाना शुरू हो गया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपदा से प्रभावित होने वाले परिवारों को खाद्य पूर्ति विभाग निशुल्क राशन और गैस कनेक्शन देगा। बादल फटने और भारी बारिश में जिन लोगों के घरों का सामान बह गया है उन्हें ये राहत दी जाएगी। खाद्य पूर्ति विभाग पीड़ित परिवारों को चावल, आटा, दालें, रिफाइंड नमक और गैस सिलेंडर भी मुफ्त देगा। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शमी शर्मा ने बताया कि इनएक्टिव सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड ढांडा और शिमला में सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर और HR के 300 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं और BA पास और आयु सीमा 18 से 38 वर्ष रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर 12,000 से 22,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पहाड़ पर बिगड़े मौसम के तेवरों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कदमों को रोक दिया है। आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से येलो अलर्ट जारी किए जाने और बादल फटने जैसी घटनाओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी की पालमपुर में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। मौसम साफ होने पर इसे दोबारा शेड्यूल किया जा सकता है। हिमाचल सरकार ड्रोन से सामान लाने और ले जाने के लिए समझौता ज्ञापन साइन कर दिया है। सरकारी उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के स्काई एयर कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है। करार के मुताबिक 1 से 5 किलोमीटर तक सामान लाने के लिए 45 रुपए खर्च करने होंगे। इस करार पर इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के MD मुकेश रेपसवाल और कंपनी के पदाधिकारी श्रीकांत एवं ईशान ने हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने CM जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार पटरी से उतर गई है और कुछ होने वाला नहीं है। इंजन फिर से पटरी पर नहीं आएगा और इसे बदलना ही पड़ेगा। जनता हालात बदल करके सरकार बदलेगी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और विकास को आगे बढ़ाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमने मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। हिमाचल में आज महंगाई, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार, माफिया, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा का जवाब देना CM जो है उसे भागते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के ऐतिहासिक पटेल मैदान में चल रही सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के दूसरे दिन तमिलनाडु के सूर्यांश को जम्मू कश्मीर के तरुण ने हराया। पंजाब के योगेश को हरियाणा के शिवम के हाथों हार छीनी पड़ी। महिला वर्ग में हरियाणा की मीनू ने तमिलनाडु की आर विष्णु को पराजित किया। चंडीगढ़ की भव्या को राजस्थान की भाव्य गौतम ने हराया। झारखंड की ताने को राजस्थान के शान्या बेनीवाल ने हराया।
हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के समीप ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। हादसा कुमारहट्टी सोलन बाईपास पर शमलेज के समीप हुआ। इसमें एक बाइक कार से टकराने के बाद ट्रक की चपेट में आ गया। बाइक में चालक समेत एक अन्य युवक सवार था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी, जबकि घायल युवक का क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।